हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है क्लाशनिकोव। ये मूवी 2020 में रिलीज किया था और आईएमडीबी ने इस मूवी को 6.6 का रेटिंग दिया है। ये एक बायोग्राफिकल मूवी है और ये कहानी आधारित है मिखाइल क्लाशनिकोव के ऊपर, जिन्होंने इस दुनिया का सबसे डेडलीस्ट असॉल्ट राइफल AK-47 को ईजाद किया था। फिर कहानी शुरू होती है, हमें एक छोटे से गांव में दिखाया जाता है और जहां हम देखते हैं छोटे मिखाइल को, तभी हम देखते हैं मिखाइल के हाथ में एक लोहे का पाइप होता है। फिर मिखाइल के कुछ दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। फिर मिखाइल उस लोहे के पाइप को लकड़ियों के टुकड़ों के बीच छुपा देता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। फिर हमें 1941 के वर्ल्ड वॉर टू में दिखाया जाता है, जहां रशियन और जर्मन आमने सामने जंग लड़ रहे होते हैं और जंग में एक टैंक के अंदर मिखाइल और उसके चार साथी हैं और उस टैंक में जर्मन हमला कर देते हैं, जिससे मिखाइल और उसके साथियों को गहरी चोट लगता है। फिर इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ मिखाइल को पता चलता है उसके सारे साथी शहीद हो गए हैं और मिखाइल भी बहुत ज्यादा घायल होता है, जिसके लिए उसे घर भेज दिया जाता है आराम करने के लिए। मिखाइल एक ट्रक में होता है जहाँ मिखाइल के साथ और भी जख्मी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। फिर चलते चलते इन लोगों का ट्रक एक रोड में फंस जाता है। फिर सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उस ट्रक को बाहर निकालने के लिए, पर वो ट्रक नहीं निकलता। उसके बाद मिखाइल और उसके लेफ्टिनेंट ऑफिसर पास के गांव में मदद मांगने जाता है, जहां मिखाइल देखता है उसके लेफ्टिनेंट ऑफिसर को नई राइफल दी गई है लड़ने के लिए। तभी मिखाइल अपने लेफ्टिनेंट ऑफिसर से पूछता है, क्या आपको ये नया हथियार मिला लड़ने के लिए और क्या ये भरोसेमंद है? तभी लेफ्टिनेंट कहता है, जब मैं जंग में जाऊंगा तब मुझे समझ आएगा। उसके बाद ये लोग दोनों उस गांव में पहुंच जाते हैं, मगर यहां पहले से ही जर्मन आर्मी ऑफिसर छुप के बैठे हुए थे। तभी वो जर्मन ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट के ऊपर गोली चलाने जाते हैं, पर लेफ्टिनेंट अपने बंदूक से उनके ऊपर गोली चला देता है और उन्हें मार देता है। और यहां लड़ाई के बीच लेफ्टिनेंट का बंदूक जाम हो जाता है और तभी एक जर्मन सिपाही लेफ्टिनेंट के ऊपर गोली चला देता है। फिर वो जर्मन सिपाही मिखाइल के ऊपर गोली चलाता है, पर मिखाइल के पास एक पिस्टल होता है। मिखाइल उस पिस्टल से जर्मन सिपाही के ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो जर्मन सिपाही वहां मर जाता है। यहां लेफ्टिनेंट को गोली लगने के कारण वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद मिखाइल एक गांव वाले के घोड़े के मदद से लेफ्टिनेंट को ट्रक की ओर लेके आता है, जहां मिखाइल लेफ्टिनेंट के राइफल को देखता है। मिखाइल कहता है, इसकी डिजाइन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसे और बेहतर बनाया जा सकता था और ठंड की वजह से इसका स्प्रिंग जाम हो गया था, इसीलिए गोली नहीं चला था। फिर उस घोड़े के मदद से फंसे हुए ट्रक को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मिखाइल घर जाने के लिए एक ट्रेन पर चढ़ता है और यहाँ मिखाइल के तरह इस ट्रेन में और भी घायल जवान थे। मिखाइल उन लोगों के साथ बात करता है और मिखाइल कहता है कि वो एक सब मशीन गन को बनाना चाहता है। फिर मिखाइल उस जवान को अपना सब मशीन गन का ड्राइंग दिखाता है। वो जवान कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, अब वो लोग शायद तुम्हें घर जाने ना दे। फिर मिखाइल कहता है, जंग के पहले मैं एक रेलवे डिपो में काम करता था और वहां मैंने बहुत सारे बंदूकें डिजाइन किया था और बनाया था, पर उन लोगों ने कहा यह इलीगल है और मुझे काम से निकाल दिया। उसके बाद सोते हुए मिखाइल सपना देखता है कि कैसे वो बचपन में एक लोहे के पाइप और एक लकड़ी के जरिए वो शॉटगन बना लिया था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मिखाइल एक स्टेशन पर उतर जाता है। फिर मिखाइल सोचता है कि वो अब घर नहीं जाएगा, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। वो एक बेहतरीन सब मशीन गन बनाना चाहता है ताकि वो अपने देश के जवानों को मरने से रोक सके। उसके बाद मिखाइल उस डिपो में जाता है जहां वो जंग के पहले काम करता था। फिर वहां के एक ऑफिसर से मिलता है, पर वो ऑफिसर मिखाइल को घायल देखते हुए वहां से निकाल देता है। वो ऑफिसर कहता है, मेरे पास अभी तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद मिखाइल उस ऑफिसर के केबिन में चला जाता है। फिर उस ऑफिसर से कहता है, जंग में हमारी हालत बहुत खराब है, दुश्मन के हथियार हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है और मैं एक सब मशीन गन बनाना चाहता हूँ इसी डिपो में। तभी वो ऑफिसर मिखाइल से कहता है, अब मुझे याद आया तुम कौन हो, जंग के पहले तुम यही काम करते थे और यहाँ तुमने बहुत सारे राइफल को बनाया था जिसके लिए तुम्हें काम से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो ऑफिसर मिखाइल को फिर से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मिखाइल उस डिपो के बाहर आ जाता है और वो एक स्टेशन के बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल बाजारोव आते हैं। फिर मिखाइल लेफ्टिनेंट कर्नल बाजारोव के पास चला जाता है। फिर मिखाइल बाजारोव से कहते हैं कि हमें एक ऑटोमेटिक सब मशीन गन बनानी चाहिए ताकि हम जंग में दुश्मन को अच्छी टक्कर दे सके। उन लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार है जिसके लिए हमें अपने जवान को खोना पड़ रहा है। उसके बाद कर्नल बाजारोव मिखाइल को सब मशीन गन बनाने का अप्रूवल दे देता है। उसके बाद मिखाइल उस रेलवे डिपो में जाता है और कर्नल बाजारोव का चिट्ठी उस डिपो के ऑफिसर को देता है। फिर वो ऑफिसर कहता है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। उसके बाद मिखाइल को एक जगह दिया जाता है जहाँ मिखाइल अपना काम शुरू करता है
और मिखाइल का एक हाथ इंजर होने के कारण उसे काम करने में परेशानी होती है। उसके बाद मिखाइल उस ऑफिसर के पास जाता है और उनसे कहता है उसे कुछ लोगों का जरूरत है जो मिखाइल को उसकी काम में मदद कर सके, पर वो ऑफिसर मिखाइल को मना कर देता है। वो ऑफिसर कहता है मेरे पास कोई लोग नहीं है तुम्हारे काम के लिए, पर वहाँ के कुछ इम्प्लॉयज मिखाइल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम फ्री टाइम में तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद मिखाइल अपने मेहनत और सारे लोगों के मदद से वो अपने सब मशीन गन को बना लेता है। फिर मिखाइल उस सब मशीन गन को टेस्ट करता है जहां मिखाइल को उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद मिखाइल उस सब मशीन गन को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल बेजारोव के ऑफिस में जाता है जहां उसे ये पता चलता है कि बेजारोव फ्रंट पे गए हैं। फिर मिखाइल अपना बनाया हुआ मशीन गन उन ऑफिसर को दिखाता है और कहता है इस मशीन गन को मैंने खुद बनाया है डिपो में कर्नल बेजारोव के कहने से। पर उन ऑफिसर्स को मिखाइल दुश्मन लगता है, इसीलिए मिखाइल को पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया जाता है और मिखाइल से उसका मशीन गन ले लिया जाता है। और उसके कुछ देर बाद वहाँ एक ऑफिसर आता है और मिखाइल के बंदूक को लेकर चला जाता है। फिर उस बंदूक को टेस्टिंग साइड में भेजा जाता है जहाँ उस बंदूक की काबिलियत देखी जाएगी। फिर मिखाइल के मशीन गन को टेस्ट किया जाता है जहाँ इन लोगों को उस बंदूक का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरी तरफ दो ऑफिसर आके मिखाइल को वहाँ से छुड़ा के लेके जाता है। फिर मिखाइल को हम एक रूम में देखते हैं जहाँ उसके साथ दो ऑफिसर्स और होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर मिखाइल को कहता है तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है पर तुम्हें उस पर अभी और काम करना पड़ेगा, तुम्हारी गन थोड़ी सी भारी है, तुम्हें उसे हल्का बनाना पड़ेगा। और क्या तुमने ऑल यूनियन वेपन डिजाइन के बारे में सुना है? और तुम्हारे गन को सेना में शामिल होने के लिए इस कंपटीशन को पास करना होगा जिसके लिए हमें तुम्हारे गन को जनरल कुडबाटकिन को दिखाना पड़ेगा। अगर उसने तुम्हें पास कर दिया तो तुम्हें इस कंपटीशन में इजीली चांस मिल जाएगा। उसके दूसरे दिन हमें फिर से वेपन टेस्ट साइड में दिखाया जाता है जहाँ जनरल कुडबाटकिन खुद मिखाइल की मशीन गन को टेस्ट करता है जो जनरल को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर जनरल कुडबाटकिन मिखाइल को उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए परमिशन दे देते हैं। उसके बाद मिखाइल वहां से मॉस्को जाता है और ये समय 1943 का होता है। उसके बाद मिखाइल को मॉस्को से सुरोवस्की रेंज भेजा जाता है जहां वो कार में एक और ऑफिसर से मिलता है और उसका नाम सुडाइव एलस्की है और वो भी एक इन्वेंटर है और वो भी यहाँ ऑल यूनियन वेपन डिजाइन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। उसके बाद मिखाइल सुरोवस्की रेंज पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है यहाँ और भी इन्वेंटर आए हुए हैं इस कंपटीशन के लिए। फिर वहाँ के सीनियर इंजीनियर मिखाइल से पूछता है क्या तुम्हें टेक्निकल ड्राइंग आती है? मिखाइल कहता है मुझे ड्राइंग नहीं आता है। उसके बाद मिखाइल खाने के कैंटीन में होता है तभी मिखाइल के पास एक लेडीज आती है, वो कहती है मुझे कैप्टन ने भेजा है और मेरा नाम है कैटरीना मोसियाबा और मैं तुम्हें ड्राइंग करने में मदद करूंगी। उसके बाद मिखाइल बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो अपने गन को और ज्यादा हल्का और मजबूत बनाता है और कैटरीना भी मिखाइल को ड्राइंग करने में मदद करती है और इसी बीच मिखाइल कैटरीना को पसंद करने लगता है। उसके बाद ये कंपटीशन हो जाता है। उसके बाद मिखाइल कैटरीना के पास जाता है, उससे कहता है कि कल नतीजे आ जाएंगे और तुम मेरी बहुत ज्यादा मदद की हो, इसीलिए आज रात मैं तुम्हें जाऊंगा तुम्हारे घर छोड़ने। उसके बाद मिखाइल कैटरीना को उसके घर छोड़ने जाता है और यहाँ मिखाइल को पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है और मिखाइल इस कंपटीशन में हार जाता है और सुडाइव एलस्की इस कंपटीशन को जीत जाता है जिससे मिखाइल को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद मिखाइल कर्नल के पास जाता है और कर्नल से कहता है उसे घर जाना है। कर्नल कहता तुम घर नहीं जा सकते। उसके बाद कर्नल सीनियर इंजीनियर को बुलाता है। फिर कर्नल सीनियर इंजीनियर से कहता है मिखाइल को उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखा दो। उसके बाद सीनियर इंजीनियर मिखाइल से कहता है एक नई कॉन्ट्रेस्ट शुरू हो रही है लाइट सब मशीन गन की, तुम वापस अल्माटा जाके उस पर काम क्यों नहीं शुरू करते। उसके बाद मिखाइल अल्माटा आ जाता है और अपने पुराने टीम के साथ एक लाइट सब मशीन गन बनाने में लग जाता है। उसके बाद मिखाइल एक लाइट सब मशीन गन बना लेता है। फिर वो उस लाइट मशीन गन को लेकर सुरोवस्की आ जाता है। उसके बाद मिखाइल कैटरीना से मिलता है और अब कैटरीना भी मिखाइल से प्यार करने लगा है और ये लोग दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। उसके बाद सुरोवस्की शूटिंग रेंज में इन सभी इन्वेंटरों का लाइट मशीन गन को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम मिखाइल और सारे इन्वेंटर्स को एक रूम में देखते हैं। उसके बाद सीनियर इंजीनियर सारे इन्वेंटर से कहते हैं कॉन्टेस्ट कमेटी ने आप सभी के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन सभी गन्स को अभी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कॉन्टेस्ट कमेटी आप सभी इन्वेंटर्स को एक बार फिर से चांस देना चाहती है ताकि आप लोग अपने डिजाइन्स को और बेहतर कर सके। और इस बात से मिखाइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है
और डॉक्टर से कहता है आप लिख दीजिए कि मैं फिट हूँ, शायद इससे वो लोग मुझे जंग पे भेज दे। फिर डॉक्टर मिखाइल से कहता है तुम अभी तक फिट नहीं हो और तुम अभी जंग में नहीं जा सकते। उसके बाद मिखाइल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद रशिया वर्ल्ड वॉर टू जीत जाता है। उसके बाद मिखाइल अपने एक नए डिजाइन के गन को लेकर कर्नल के पास जाता है और कर्नल से पूछता है हमने जो इस प्रोजेक्ट पे इतना ज्यादा मेहनत किया वो क्या बर्बाद जाएगा। उसके बाद कर्नल मिखाइल को एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था हमारी पूरी सेना को उच्च स्तरीय हथियार चाहिए। उसके बाद कर्नल मिखाइल से कहता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम्हें अपना काम जारी रखना होगा और आज के बाद से तुम्हारा एक नया डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद मिखाइल को कवर ऑफ सिटी के एक प्लांट में भेजा जाता है जहाँ मिखाइल अपने डिजाइन को और बेहतर बना देता है। उसके बाद मिखाइल अपने पहले प्रोडक्शन को कम्प्लीट कर लेता है और यहाँ बन के तैयार होता है दुनिया का सबसे डेडलीस्ट असोल्ट राइफल AK-47। पर मिखाइल इस गन को जल्दी से जल्दी टेस्ट करना चाहता था पर उसे कोई जगह नहीं मिल रहा था। दरअसल यहाँ और एक इन्वेंटर था जिसका नाम है डेटरऑफ और इस समय उस जगह पर डेटरऑफ का गन को टेस्टिंग किया जा रहा था। उसके बाद मिखाइल अपने गन को प्लांट के बाहर ही टेस्ट कर लेता है। तभी कुछ ऑफिसर्स आके मिखाइल को पकड़ लेता है और यहाँ मिखाइल समझ जाता है कि उसने दुनिया के सबसे डेडलीस्ट असल राइफल को बना लिया है। उसके बाद डेटरऑफ मिखाइल को अपने पास बुलाता है और मिखाइल के गन के डिजाइन को दिखाने के लिए कहता है। मिखाइल पहले अपने गन के डिजाइन को दिखाने के लिए मना करता है। डेटरऑफ कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरी गन ऑलरेडी बन चुकी है, मुझे बस तुम्हारी गन का डिजाइन देखना है। उसके बाद मिखाइल अपने गन के डिजाइन को डेटरऑफ को दिखा देता है। डेटरऑफ उस डिजाइन को देखकर कहता है अब मेरी डिजाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिजाइन उससे भी बेहतर है। उसके बाद हमें टेस्टिंग साइट में दिखाया जाता है जहाँ सारे इन्वेंटर्स का गन्स का टेस्टिंग होता है। वहाँ सारे गन्स को पानी में और रेत में टेस्ट किया जाता है। वहाँ सिर्फ मिखाइल का असोल्ट राइफल AK-47 जीतता है, बाकी सारे इन्वेंटर्स का गन फेल हो जाता है। उसके बाद मिखाइल कैटरीना के पास जाता है और उससे कहता है मैं जीत गया। फिर कैटरीना मिखाइल से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे मिखाइल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद मिखाइल को राजधानी मॉस्को में बुलाया जाता है जहाँ आर्टिलरी मार्शल वोरोनोव मिखाइल को अपने साथ लेके जाता है आर्मी की एक टुकड़ी के पास और उन सभी के पास मिखाइल का बनाया हुआ असोल्ट राइफल था। उसके बाद मार्शल वोरोनोव कहते हैं मैं आप सभी को एक नए डिजाइनर से मिलाना चाहता हूँ जिसने इस बेहतरीन असोल्ट राइफल को डिजाइन किया है जो आने वाले भविष्य को बदल देगा और इन्हें स्टालिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका नाम है मिखाइल क्लासनिकोव। उसके बाद मार्शल वोरोनोव मिखाइल को घर जाने के लिए छुट्टी दे देता है। फिर मिखाइल अपने बीवी और दो बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। फिर वो अपने माँ से मिलता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।